है और अजब चीज है। अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद एंगनी शेरो जरा लबैक दें आवाज आवे जिम्मे दूसरे लबैक की आवाज आ दो ये भी तो उन्होंने काम है ना। मेरे आका ने फरमाया ना जिहाद जारी रहेगा, मेरा आखिरी उम्मत ही दज्जाल लड़ जिहाद करेगा। किसी बदबख्ती बदबख्ती मत समझे जो जिहाद के लिए जाएगा, वो पाकिस्तान का गद्दार नहीं, गद्दार वो है जो बात कर रहा है। सबसे बड़ा वफादार वो है जो यहां से जिहाद के लिए कश्मीर जाएगा। एंग गल कर अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, अल जिहाद अल जिहाद। ओ पावर है जिस पावर ना सहाबा घोड़े समुद्र पा देते, ए ओ पावर ना तुसी जंप ला रहे हो, लेकिन ए जड़ी पावर है। मैं कहा इकबाल है कित्थों आई, कहना कुव्वत ए सुल्तानो अमीर अजला एला और हैबत ए मर्द फकीर अजला एला। अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद अल जिहाद। कश्मीर भी जिहाद ना वापस आना है, अफगानिस्तान भी जिहाद ना आना है, शाम भी जिहाद ना वापस आना है, इराक भी जिहाद ना आना है, ओ यमन भी वापस आना है जिहाद ना, ओ बैतुल मुकद्दस भी जिहाद ना वापस आना है। ओ बैतुल मुकद्दस किद ना आना है, ओ बैतुल मुकद्दस वापस किद ना आना है, ओ इसराइल दी ठुकाई किद ना होनी, ओ ट्रंप किद ना जलील होना है, ओ मोदी किद ना बर्बाद होना है, और दुनिया ते इस्लाम किदे नाल छाणा है? बस जिहाद नाल छाणा है, बस जिहाद नाल छाणा है। मेरे आका फरमा गए जिहाद ऊंट की कुहान है, ऊंट की कुहान उसके सर से भी ऊपर होती है। फरमाया क़यामत तक मेरी उम्मत ऊपर रह सकती है तो जिहाद से रह सकती है। जिहाद वास्ते तैयार हो, किसी की इजाजत की लोड़ है कि भाई जिहाद समझो कि अम्मी जी कवन जी नहीं उन्होंने कहना अम्मी और वक्त तो तेन असं बचाना चाहते हैं कि फिर मुसलमान दियाँ धियां कश्मीर ते बर्मा ते जरा इत्थे भी रोवन, उस तो पहले पहले साड़ियां मामा ते भैणा इज्जतां नाल घर रोवन। अम्मी वो टाइम आने तो पहले पहले कि चाइना दियाँ मुसलमान दियाँ इज्जतां रुल गई, बर्मा में रुल गई, और शाम में रुल गई, और इराक च रुल गई। अम्मा असं चाहते हैं पाकिस्तान दियाँ मावं ते बेटियां घर में महफूज रवन, ते असी जवान कटते रहिए तो।